नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार अभिनव अभिषेक आज एक बार फिर कुछ सवाल लेकर आया हूं और ये सवाल पत्रकारों के लिए है। मैं भी एक पत्रकार हूं और अभी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति में पूरा देश चल रहा है, इस पर मैंने एक वीडियो इसके पहले भी बनाया था और एक बार फिर कुछ उन्हीं तरह के सवालों के साथ आपके पास आना चाहता हूं। दिल्ली सरकार ने व्यवस्था की स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, पुलिस के लिए, अगर कोरोना से लड़ते हुए दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 1 करोड़ का बीमा निर्धारित किया गया है। कहने को तो पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी सरकार ने, वो चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, किसी ने भी अब तक उनके लिए किसी भी सुविधा की व्यवस्था नहीं की है और यहाँ तक कि उनके लिए मास्क, सैनिटाइजर या और भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। और काम अगर किया गया है तो ताली बजवाने का काम उनके लिए किया गया है। मेरा एक सीधा प्रश्न है आपसे, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि वे लोग जो लगातार मौत से जूझ कर आपके लिए सूचनाओं का संकलन कर रहे हैं, खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या उनके प्रति समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? उन्हें छूट दे दी गई है, वे जा सकते हैं, समाचारों का संकलन कर सकते हैं, लेकिन इस असुरक्षा के माहौल में अगर वो जा रहे हैं तो वो किसके लिए जा रहे हैं? खुद के लिए? नहीं, एडवर्टाइजमेंट उन्हें नहीं मिल रहा। 90% संस्थाएं ऐसी हैं जिनके लिए काम करने वाले पत्रकारों को कोई पैसा नहीं मिलता है, फिर भी वो जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली जनता को सही सूचनाएं मिल सके, प्रशासनिक अमलों को भी यह जानकारी मिल सके कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी किस तरह काम कर रहे हैं। हमारे कुल के सबसे श्रेष्ठ नारद मुनि, जिनके से पत्रकारिता शुरू होती है, अगर आदिकाल की बात करूं तो मैं, और आज स्थिति क्या है पत्रकारों की? सिर्फ यह कि वो सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर एसी कमरे में बैठे हुए जो अभी के गणमान्य पत्रकार गिने जाते हैं, वो चाहे सुधीर चौधरी हो, रवीश कुमार हो, पुनपत सिंह वाजपेयी हो, ये सब उन्हीं सूचनाओं को आधार बनाकर एक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करते हैं अलग अलग चैनलों के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। क्या समाज की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या प्रशासन की यह जिम्मेदारी नहीं है कि उनके कुछ नहीं तो कम से कम उनके स्वास्थ्य के लिए भी कुछ सोचा जा सके, उन्हें इस तरह इस महामारी में नहीं छोड़ा जाए? अनेकों संस्थाएं हैं लेकिन अभी तक किसी संस्था ने इस विषय पर आवाज नहीं उठाई, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, तो यह दुखद है। पत्रकार इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि उनके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर ही आज इस देश में जितने भी घोटाले उजागर हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पत्रकार ही है। अभी जितनी भी तरह की समस्याएं हम देख रहे हैं, उन समस्याओं को आप तक पहुंचाने वाला कौन है, वह माध्यम कौन है, वह सेतु कौन है? निस्संदेह आप कहेंगे पत्रकार है। फिर पत्रकारों की ऐसी उपेक्षा क्यों? क्या इस पर विमर्श नहीं होना चाहिए? क्या मौत से जूझते उन पत्रकारों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए? इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी होगी और यह जिम्मेदारी समाज के उन अगुवाओं को तय करनी होगी, तभी एक सकारात्मक सोच के साथ लोकतंत्र के अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है, अन्यथा सब कुछ धूल मूल जैसा चल रहा है, चलता रहेगा। निर्णायक समय है, सबको सुरक्षा की आवश्यकता है और पत्रकारों को भी सुरक्षा की आवश्यकता है। इंडियन एक्टिव जर्नलिस्ट फाउंडेशन ने यह निर्णय लिया है कि पत्रकारों तक पत्रकार सुरक्षा किट पहुंचाया जाएगा। हम चाहेंगे
कि जो पत्रकार भी इसको देख रहे हैं वे अपने माध्यम से भी इसके प्रति सचेत हों और अपने मन मस्तिष्क में इन विचारों को जरूर गुने, समझें और विचार करें। धन्यवाद।